Okay, good morning friends. Today we are going to do this chapter, the junk seller. It is the chapter of maths of class 4th. In this video we are going to read about this chapter and try to understand what is given in this chapter. So aiye samajhte hain is chapter ko bachcho, junk seller. चैप्टर का नाम है जंक सेलर. जंक सेलर कौन होता है बेटा? कबाड़ी वाला, जो कबाड़ा बेचता है उसको बोलते हैं जंक सेलर, ठीक है ना. तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं. हैव यू एवर मेट ए कबाड़ी वाली? क्या आपका हैव यू एवर मेट ए कबाड़ी वाली? क्या आप कभी किसी कबाड़ी वाली से मिले हो? अ वूमैन हु सेल्स जंक. कबाड़ी वाली कौन होती है बच्चों? अ वूमैन, एक औरत जो क्या बेचती है? कबाड़ा बेचती है. हु सेल्स जंक? जंक मतलब कबाड़ा होता है, ठीक है. This is true story told by Kiran who has a junk shop in Patna. ठीक है ना बेटा, ये क्या है? एक true story है, एक सच्ची घटना है, एक सच्ची कहानी है जो किरण बताती है. Who has shop, junk shop in Patna, जिसकी एक कबाड़े की दुकान थी. कहाँ पर? पटना में. पटना बेटा कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है ये, ठीक है. और इसकी दुकान भी हमें दिखाई गई है, ये रही किरण सुमित्रा कबाड़ी की दुकान, ठीक है. आपने ये देखी होगी, ये कबाड़ी की दुकान होती है. आइए आगे चलते हैं. आई स्टडीड इन ए हिंदी मीडियम स्कूल इन माय विलेज. मैं क्या करती थी? हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी अपने गांव में. माय फादर वांटेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक ए बॉय. जो मेरे पिताजी थे, जो मेरे पापा थे, वो चाहते थे कि लड़कियाँ भी लड़कों की तरह पढ़ें. I loved Hindi and science. मुझे हिंदी और साइंस बहुत पसंद थी. But I hated maths. मुझे मैथ से नफरत थी. Today math is most useful for my work. और आज के टाइम में जब मैं कबाड़ी वाली बन गई हूँ तो मैथ्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है. जैसे कि मानो, क्यों हो गई है आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ बच्चों. जैसे कि मानो कोई आपके पास कबाड़ा लेके आया, लोहा लेके आया, और आप लेते हैं लोहा. लोहा को इंग्लिश में बोलते हैं आयरन, आपको पता ही है. 1 kg iron, 1 kg iron मान लो 20 रुपये का लेते हो आप, है ना. तो वो लेके आया आपके पास 4 kg iron, तो आप उसको कितने रुपए का लोगे? तो ये कैसे निकालोगे बेटा? ये मैथ है. अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आप कबाड़े वाला भी नहीं बन पाओगे. ये चीज़ ध्यान रखिए, इसलिए कहता हूँ बहुत मन लगा के पढ़िए बच्चों, ठीक है. अगर 1 kg iron 20 रुपये का आता है तो वो 4 kg आपके पास देने आया तो कितने रुपए आप उसको देंगे? तो 20 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो आपको उसको 80 रुपये देने पड़ेंगे. मतलब कहने का है हर जगह मैथ है बेटा. आप दुकान पे जाओगे, सब्जी खरीदने जाओगे, स्टेशनरी की शॉप पे जाओगे, वेर एवर यू विल गो यू विल फाइंड मैथ्स इज एवरीवेयर. सो यू शुड ऑल नो वॉट इज मैथमेटिक्स एंड यू शुड ऑल लव मैथ्स, ठीक है ना. सबको मैथ अच्छी लगनी चाहिए. आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन माई स्कूल. और ये जो लड़की थी ये अपने स्कूल टाइम में, जैसे आप सोचते हो कि मैथ पढ़ के क्या होगा, ये भी ऐसे ही सोचती थी कि मैथ का क्या यूज है आगे. इसको भी यही लगता था. वॉट अबाउट यू? तुम्हें क्या लगता है? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट? क्या तुम्हें भी मैथ्स डिफिकल्ट लगती है? वॉट अगर लगती है तो कौन सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है बच्चों? सारे बच्चे, जब मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा तो YouTube पर, तो उस पर कमेंट करके मुझे बताएंगे आपका सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर कौन सा है मैथ्स का. उसी चैप्टर को मैं फिर आपको इतने बार पढ़ाऊंगा ताकि वो चैप्टर आपको बहुत आसान लगने लगे. और आप मुझे एक और कमेंट करेंगे कि सर व्हाट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन, सबसे ईजी लेसन आपको कौन सा लगता है. जो भी आप लेसन कमेंट करेंगे मैं उसमें से आपको लेट के क्वेश्चंस बना के दूंगा बच्चों. व्हेन आई वाज यंग माय फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट. जब मैं यंग थी तो मेरे पिताजी जो हैं एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी. सो माय मदर वर्कड एज ए सर्वेंट इन सम हाउसेस. तो मेरी माँ को क्या करना पड़ता था? काम करना पड़ता था दूसरों के घर पर. वी हैड ए डिफिकल्ट टाइम. ठीक है, वी हैड ए डिफ़िकल्ट टाइम. आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8. और हमारा वो जो समय था वो बहुत ही बेटा हार्ड समय था और मुझे अपनी पढ़ाई 8वीं कक्षा के बाद छोड़नी पड़ी थी. आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड. मैं और पढ़ना चाहती थी बट मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी. आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड.
माई हस्बैंड फैमिली लिव्ड इन ए मड हाउस, और जो मेरी पति की फैमिली थी, हस्बैंड फैमिली मतलब जो मेरे पति की फैमिली थी वो कहाँ रहती थी, मड हाउस में रहती थी, मतलब एक मिट्टी के घर में रहते थे वो। कैसे घर में रहते थे बच्चों, एक मिट्टी के घर में रहते थे वो। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल, और उसके दो भाई, जो मेरे पति के दो भाई थे और एक बहन थी, वो स्कूल नहीं जाते थे। उनकी क्या थी, टी स्टॉल, चाय की दुकान थी। वो क्या करते थे बच्चों, चाय बेचा करते थे गरम गरम। फाइंड आउट हाउ मच फॉर ए कप ऑफ टी, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, अगर आपको चाय की दुकान भी खोलनी है तो वहां पर भी मैथ्स की जरूरत है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। Ask people and find out the cost of a cup of tea at a tea stall. अगर आपने किसी ढाबे पे या किसी टी स्टॉल पे अगर चाय पी है तो वहाँ चाय कितने रुपए की मिलती है, मान लो वहाँ चाय मिलती है 10 रुपए कप। और अगर आपने होटल में वो चाय पी है तो वहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ पर मिल रही है वो चाय 25 रुपए की, 25 रुपए पर कप। If a person who runs a tea stall earns ₹30 in a day, ठीक है ना। अगर कोई इंसान है जो कि एक चाय की दुकान चलाता है और 30 रुपये हर दिन कमाता है, तो हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज। देखिए बेटा मैथ, अगर कोई इंसान एक दिन में, वन डे में बेटा, अगर वो 30 रुपये कमाता है, कितने रुपए कमा रहा है वो, 30 रुपये कमा रहा है, तो 10 दिन में वो कितने रुपए कमाएगा बेटा, तो ये 30 का मल्टीप्लाई 10 डेज में करना पड़ेगा, तो ये 300 रुपीज कमाएगा, ठीक है ना। तो हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज, तो ये ₹300 कमाएगा, 10 दिन में ₹300 कमाएगा। एंड इन ए मंथ, एक मंथ में कितना कमाएगा बेटा, तो अगर बच्चा, अगर वो इंसान एक दिन में ₹30 कमाता है तो एक महीने मतलब 30 दिन में 30 डेज में कितना कमाएगा, तो 30 का मल्टीप्लाई 30 में करना पड़ेगा, इससे कितना आएगा, ₹900 आ जाएगा, तो वो ₹900 महीने के कमाएगा। How did you get the answer? Discuss. ये आपने answers कैसे निकाले, discuss करिए। तो इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे questions कराए हुए हैं। अगर 1 kg चीनी की cost बेटा 50 रुपये है तो 10 किलो की निकालो, 50 किलो की निकालो, 100 किलो की निकालो, इतनी बार कराए हैं, आपको समझाया है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं उन सारी चीज़ों की घर पे, तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। I thought of starting my own business. तो फिर उस टाइम मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा बच्चों। I thought I should open a bangle shop or a tailor shop. तो मैंने जब सोचा, जब मेरे मन में विचार आया कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा जो पहले विचार था वो था bangle shop, मतलब चूड़ियों की दुकान, ठीक है, चूड़ियों की दुकान खोलती हूँ, या tailor shop, ये जो कपड़े सिलते हैं, tailor shop, दर्जी। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाई ओपनिंग अ जंक शॉप। बट जो मेरे अंकल थे उन्होंने मुझे एडवाइस दिया, उन्होंने मुझे सलाह दी कि अगर हम कबाड़े वाली दुकान खोलें तो उसमें हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इन 2001 में माई मदर इन लॉ होती है सास, एंड आई ओपनड अ जंक शॉप। मेरी सास ने और मैंने मिलके क्या किया, एक कबाड़े की दुकान खोली। वी टुक ए लोन ऑफ 8,000 रुपये का हमने क्या लिया, एक दुकान से लोन लिया। लोन मतलब बेटा हमने कर्जा लिया, कर्जा लेते हैं, जैसे आपके पास पैसे नहीं होते तो आप किसी से उधार मांगते हैं, उसको बोलते हैं लोन लेना। फाइंड आउट व्हाट इज ए लोन, लोन क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़िए। लोन का मतलब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि अगर आप किसी से पैसा लेते हैं, ठीक है, और उसके बजाय उस पैसे पर इंटरेस्ट, ब्याज देते हैं, तो वो एक तरह का लोन हो जाता है। हैव यू एवर हर्ड ए सम टेकिंग अ लोन, क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने लोन लिया, आपके पापा ने किसी चीज़ के लिए लोन लिया है, फॉर व्हाट, अगर लिया है मोटरसाइकिल खरीदने के लिए लिया है, कार खरीदने के लिए लिया है, हवाई जहाज खरीदने के लिए लिया है, घर खरीदने के लिए लिया है, तो आप लिख सकते हैं कि पढ़ाई के लिए लिया है, किस चीज़ के लिए लोन लिया है, यहाँ लिख सकते हैं। हाउ मच लोन वॉज टेकन, उन्होंने कितना लोन लिया, ये आप यहाँ लिखिए। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, और कितना पैसा पे किया गया। बच्चों जब ऐसा होता है, जब हम लोन लेते हैं, मान लो आपने 8,000 रुपये लोन लिए है ना, तो जब आप उसको रिटर्न करेंगे तो आप उसको 8,000 रुपये ही रिटर्न नहीं करेंगे बच्चों, उसको आप कुछ ज़्यादा रिटर्न करेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है लोन में। हरिया एंड बाबू वॉन्ट टू बाय ए हैंड कार्ट फॉर ₹300।
जो बाबू और हरिया थे बच्चों, उनको एक हैंड कार्ट खरीदना था, ठीक है ना, 300 रुपये का। आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम ए बैंक फॉर 6 मंथ। तो मैंने क्या किया, 300 रुपये का लोन लिया, कहाँ से, बैंक से, और कितने टाइम के लिया, लिए लिया 6 महीने के लिए लिया। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। अब मुझे क्या करना पड़ता था बच्चों, 51 रुपीज देने पड़ते थे हर महीने, ठीक है। बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300, बट फ्रॉम चुन्नीलाल आफ्टर 6 मंथ आई विल पे बैक 360। मैंने चुन्नीलाल से कितना लोन लिया, 300 रुपये का ही लोन लिया, बट मैंने 6 महीने के बाद उसको कितना रुपये से चुकाया, 360 रुपये। मैंने लोन कितना लिया बेटा, 300, मैंने चुकाया कितना, 360। तो मैंने उसको कितना ज़्यादा पैसा दिया, 60 रुपीज मैंने उसको ज़्यादा दिया, ठीक है बच्चों। ये हरिया है, ये बाबू। Who has to pay back more, हरिया और बाबू, ठीक है बेटा। ये हरिया ने लिया, हरिया ने कहाँ से खरीदा, बैंक से लिया। अब देखिए बैंक वाले ने कितना किया, बैंक से हरिया ने लोन लिया 300 रुपये, और उसको हर महीने कितने देने पड़ते थे, 51 रुपीज़ देने पड़ते थे, ठीक है बच्चों, समझो उसको। और कितने महीने के लिए लिया लोन, 6 महीने के लिए, तो हर महीने 51 दे रहा है, तो 6 महीने में कितने देगा, 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30, तो 306 रुपये वो रिटर्न करेगा। और उसने लोन कितने का लिया था, 300 रुपये का लोन लिया था, मगर बैंक को कितना देना पड़ा, 306, तो कितने रुपये ज़्यादा देना पड़ा, 6 रुपये। मगर जो बाबू था उसने लिया चुन्नीलाल से लोन, और चुन्नीलाल ने क्या किया, 300 रुपये उसको दिए, मगर 6 महीने के बाद उससे 360 रुपये लिए, तो 60 रुपये उसने ज़्यादा लिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि हरिया ने ज़्यादा पे किया या बाबू ने, तो आप बता सकते हैं सीधे सीधे बाबू ने ज़्यादा पे किया। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बाबू, और आपसे पूछा जाए कितना पे किया, उसने 360 रुपये पे किया। हरिया ने कितना किया, 306 रुपये पे किया मात्र। पीपल लाव्ड एंड टीज्ड अस अबाउट आवर वर्क। जब भी आप बेटा कोई भी काम करते हैं, काम कभी कोई छोटा नहीं होता है, मगर जब भी आप किसी भी काम को स्टार्ट करेंगे, लोग बाग आपकी क्या करेंगे, आपको, आपके ऊपर हंसेंगे और ताने भी मारेंगे, मगर आपको कभी भी उन चीज़ों को माइंड नहीं करना है, अपने काम को करते रहना है, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दे कॉल्ड इट गैंडमा काम और डर्टी बिजनेस। वो लोग उसको क्या बोलते थे, गंदा काम, गंदा काम बोलते थे, कबाड़ी वाला को गंदा काम बोलते थे या डर्टी बिजनेस बोलते थे। बट आई डिड नॉट थिंक सो, बट मैं ऐसा नहीं सोचती थी। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क, मैं जानती थी कि ये आइडिया एक दिन काम कर जाएगा। नाउ वी हैव ए पक्का हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी। पहले वो मिट्टी के घर में रहते थे, मड हाउस में, बट अब वो कहाँ रहते हैं, पक्का हाउस में रहते हैं, जहाँ पर बिजली की भी सुविधा है। वी हैव फ्रिज, हमारे पास फ्रिज है आज के टाइम में, टीवी है, गैस स्टोव है, माई हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। और आज के बाद, मतलब आज के टाइम में मेरे पति के जो भाई था और उसकी जो बहन थी वो भी स्कूल, और मेरी खुद की बेटी भी अब स्कूल जाया करती है। I have 9 rickshaw of my own, और आज के टाइम में मेरे पास 9 रिक्शे हैं मेरे खुद के। I give the rickshaws on rent, मैं रिक्शे को रेंट किराए पे देती हूँ, each for ₹20 a day, हर दिन का मैं 20 रुपीज लेती हूँ किराया, मतलब मेरा एक रिक्शा जाएगा तो मैं उससे 20 रुपये लूँगी किराए के। On Sunday I do not take any money for them, और संडे को मैं उनसे कोई भी पैसा नहीं लेती हूँ, I do not take any money for them। How much does Kiran earn from 9 rickshaw in a day? तो बेटा बहुत आसान है, मैंने बताया आपको, अगर एक रिक्शे से आपको 20 रुपये मिलते हैं तो 9 रिक्शे से कितने मिलेंगे, कितना आसान हो जाएगा ये बेटा, 9 से आपको मिलेंगे, इंटू 9 कर देंगे तो 180 रुपया मिल जाएगा। एक रिक्शा अन करके दे रहा है आपको 20 रुपये पर डे, 9 रिक्शे आपको अन करके देंगे ₹180 बेटा, सिंपल है, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे यहाँ पूछा गया है हाउ डिड यू डू इट, आपने ये कैसे निकाल दिया आंसर,
हे आई विल डू इट लाइक दिस, 9 times 2 is 18, 9 2 जा तो बेटा 18 होता है, जैसे 9 का मल्टीप्लाई करना है ना बेटा हमें 20 में, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 9 2 जा तो 18 होता है और 1 0 है तो 1 0 लगा दो, सिंपल है। 9 2 जा 18, 9 times 20 is 180, ठीक है ना, इस तरीके से। बट आई फाइंड दिस इजियर फॉर 10 rickshaws, शी विल गेट रुपीज। अगर 10 rickshaw होते मान लो उसके पास, तो एक रिक्शा का उसको 20 रुपये मिल रहा है, तो 10 rickshaw का कितना मिलेगा, 20 into 10 मिलेगा ना बच्चों, ठीक है, तो इससे कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। मगर उसके पास तो 9 rickshaw थे ना बेटा, तो 9 rickshaw थे, हमने यहाँ 10 rickshaw कर दिया, तो एक रिक्शा का माइनस कर दो, तो एक रिक्शा माइनस कर देंगे, 200 में से 20 माइनस कर देंगे तो 180 आ गया। तो आप कैसे भी निकाल लो, आपका आंसर 180 आना है। थिंक ऑफ सम अदर वेज टू डू इट। आज बच्चों हम यहाँ पर पेज नंबर 62 तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।